इन दोनों की आत्या सास का घर है, कोई पराया थोड़ी है। अपना घर समझ के दोनों खाना बना लेंगी। बना लोगी ना खाना तुम दोनों? फिर ठीक है, चली जाती हूँ मैं। लेकिन हाँ, खाना बनाने से पहले ना पानी भरने जाना होगा। वैसे आधा मटका पानी है, उसमें से खाना बन जाएगा, लेकिन पीने के लिए और बर्तन मांजने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ना। आत्या भाई, मैं और रेनू का पानी भर लेंगे। अच्छा हाँ हाँ, हम भर लेंगे। तो तय हुआ, तुम दोनों पानी भर के लाओ और तब तक तापी खाना बनाना शुरू कर देगी। जी। जब रेनू का पानी भर के आएगी तो खाना बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हाथ चला। कौए, अभी तक अंग्रेज सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं मिली है और तूने कार्य भी प्रारंभ कर दिया। संभवतः तो भूल रहा है बंदर, तूने ही कहा था अगर मैं अंग्रेज अधिकारियों से कुछ कहूँ तो वो मना थोड़े ना करेंगे, तो विलंब क्यों, सुबह शीघ्रम। बहुत सही जा रहा है तू। लेकिन यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, कटेंगे। एक मित्र होने के नाते मेरा बात बता देने का कर्तव्य है कि इस निर्माण के अपने नतीजे हो सकते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, तेरे साथ मिलकर पैसे कमाना। तू तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, हमें तो शीघ्र ही साझेदार हो जाना चाहिए। आलस्य नहीं, शीघ्रता से हाथ चलाओ। अंता! जी सरकार। बूढ़ों को काम पे क्यों रखा, ऐसे तो वर्षों लग जाएंगे दीवार बनने में। अगर काम करने बनता नहीं तो काम करने आते क्यों? काम करने के लिए ही आया हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम करने दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे चल निकल यहाँ से। आप यहां बैठिए, आइए बैठ जाइए। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैं क्या तेरा नौकर हूं जो मुझ पे हुक्म चला रहा है? उधर रखा है, खुद जाके ले। शुक्रिया। अरे चलो जल्दी काम करो अपना। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो। पाखंडी कहीं का, ये वही है ना साई जिसके बारे में तुम बता रहे थे? ये लो काका। क्या वही है? ऐसा ही पाखंड करके, लोगों की सेवा का स्वांग करके इसने शिरडी वासियों को अपने वश में कर लिया है। फिर तो इससे दूर रहने में ही भलाई है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। करके तो देखे, इसकी चाल पर मैं इसे ही मात दूंगा।
शुक्रिया साईं। ऐसा फंसाऊंगा कि दोबारा मुंह उठा के यहाँ नहीं आएगा। कैसे सरकार? सरकार मुझे काम करने दीजिए सरकार। कैसे काम करेगा तू? तेरे पैर में तो चोट लगी है। कुलकर्णी सरकार ठीक कह रहे हैं काका, तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम करूंगा तो परिवार भूखा मरेगा। बैरागी कुछ सीख, ये बुड्ढा सही कह रहा है। तेरी तरह लोग अपना जीवन भिक्षा मांग मांग के तो नहीं काट सकते। तुझमें तो स्वाभिमान है नहीं, लेकिन इन लोगों में है। बड़ी डींगे हाँकता है ना तू? लोगों की सेवा करता हूं, उनका दुख दर्द दूर करता हूं, परेशानियां दूर करता हूं, तो इस बुड्ढे की मदद क्यों नहीं कर रहा है तू? अगर इसने काम नहीं किया तो इसे पैसे मिलने से रहे, क्योंकि अंग्रेज सरकार इस काम के लिए पैसे दे रही है, इसलिए मुझे उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। चलो ऐसा करते हैं, तू इसके हिस्से का काम कर। फिर मैं जो तुम्हें पारिश्रमिक दूंगा वो तुम इस बुड्ढे को दे देना। कैसा लगा सुझाव? दे। ये लो। आरंभ करो काम लेके हरि का नाम। हरी भजन को ऊटन लगे कपास। सोचा था शिरडी में मौज मस्ती करूंगी, लेकिन नहीं, फंस गई यहाँ रसोई में। हलवाई बना दिया रेणुका की बच्ची ने, हमेशा मुझे फंसा देती है और खुद चालाकी से हमेशा बाहर चली जाती है। आ गया। अच्छा हुआ आपने जल्दी से कह दिया कि हम पानी भर के ले आएंगे, वरना ये मजा कहाँ आता। अब हम आराम से घूम घाम के जाएंगे, और वैसे भी वहिनी ने कहा था कि घर में खाना बनाने लायक पानी है, तो तापिताई खाना बना लेंगी। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। वैसे भी और पानी पीने के लिए और बर्तन बासन के लिए चाहिए था, फिर जल्दी क्या है जाने की। वो बात नहीं है, अगर हम घर जल्दी जाएंगे तो मुझे तापी ताई के साथ खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी मेरे साथ हो और ध्यान तुम्हारा वहीनी पर है, काम पर है। अरे मजा लो इस पल का, ये पल दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। मैं तुम अपने हाथों से खिलाता हूँ। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये काम मैं कर लूंगा।
कुलकर्णी सरकार ने ठीक कहा काका, मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे खुशी से कर रहा हूं। लगा दो साई काम ले हाथ में साई मोरे पतवार मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार परम ज्ञान का भरते अंजन अलख निरंजन अज्ञान इससे दूर रहने को कहा था और तूने इसे ही काम पर लगा दिया। लगा नहीं दिया, इसे फंसा दिया है मैंने। पूरा गांव परिश्रम करता है और ये पाखंडी उनके परिश्रम पे अपना पेट पालता है। अब इसे पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। नमस्ते वहिनी, तापी मेरी भांजी है, मैं उसी से मिलने आई हूँ। अच्छा, तुम तापी की मामी हो? अच्छा अच्छा। तापी है घर पे? हाँ है ना, खाना बना रही है। अब तो खाना बन भी गया होगा, जाओ जाके मिल लो। अरे मामी आप, ये सब क्या कर रही है तू? तो मेरी बात कब सुनेगी और कब समझेगी? बस खाना ही बना रही। ये छोड़ ये सब, मैंने तुझे कितनी बार समझा है, तू इस घर की बड़ी बहू है, यहाँ तेरी हुकूमत चलनी चाहिए। और तू चाकरी कर रही है, घर की तो घर की बाहर की भी। मामी ऐसी बात नहीं है, ससुराल में मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ थोड़ा तो समझौता करना पड़ेगा ना, मेहमान है हम लोग। और आत्या बाई ने कहा है तो उन्हें ना नहीं कर सकती, क्या सोचेगी मेरे बारे में? और वैसे भी बाईजा वैनी पूजा में गई है, इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। अरे तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरी देवरानी का क्या, वो तो मजे कर रही है ना। अच्छा, मैंने तो ये सोच के काम शुरू किया था कि रेणुका पानी लेके आएगी और उसके बाद मेरी मदद करेगी, लेकिन नहीं, महारानी तो राजा बाबू के साथ सैर सपाटा कर रही है।
इसीलिए तो समझा रही हूँ, अपनी देवरानी का हमेशा लगान खींच के रखा कर। आप ठीक कह रही है मामी, गलती मेरी है, मैंने ना इन्हें बहुत छूट दे दी है, लेकिन आप देखिए मैं क्या करती हूँ। बनाने के लिए जितना पानी बचा था ना सब बाहर, क्या सोचती है वो कि सबसे ज्यादा वही अकलमंद है? और मैं यहाँ घास छील के आई हूँ, पूरा काम मैं करूँ और वो महारानी बैठ के सिर्फ खाना खाएगी? नहीं, अगर खाना खाना है ना तो उसे भी आधा काम करना पड़ेगा। और मामी आज देखिएगा, सबके सामने मैं ना उसका ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। चलिए मां, अब मैं भी जाके थोड़ा आराम करती हूँ। अब ये खाना बने या ना बने मुझे उससे कोई मतलब नहीं। भाईजा खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। वो अभी तक आई नहीं है, तापी ने खाना बना दिया होगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। आई आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ खाना। वैसे आभा पूछ रही थी आपके बारे में। अच्छा, हे देवा, ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का। तापी, रेणुका, क्या हुआ भाईजा? विठला, ये सब क्या कर रखा है? जी नहीं, तापी, ये क्या है सब? और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? हाँ, कैसे बनाती वेनी? रेणुका तो अभी तक पानी लेके आई नहीं है। अभी तक नहीं आई? कहाँ रह गई वो? और खाना बनाने के लिए थोड़ा पानी था ना? नहीं वैनी, पानी होता तो मैं खाना जरूर बना देती। मैंने सारे बर्तन में देखा, सब के सब खाली, और रेणुका को कोई आता ही पता नहीं है। अरे, आधा मटका पानी था, मैंने खुद देखा था, और वो खाना बनाने के लिए काफी होता है। झूठ क्यों बोल रही हो? चलो खाना खाने की छुट्टी, आधे घंटे के अंदर खाना खा के सुस्ता के काम शुरू हो जाना चाहिए। चलो साईं, अब छोड़ भी दीजिए। अब मैं ठीक हूं, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। ठीक है। साई ओम, साई ओम, साई ओम। क्या कहा था मैंने तुम्हें बंदर, ये फकीर दोबारा भूल के भी यहां नहीं आएगा। ए फकीर, जा रहा है फकीर, अपना पारिश्रमिक तो लेता जा।
आज तक मैं तुम्हें भिखारी कहता था, लेकिन ये भिक्षा देकर मैं उस पर मोहर लगा रहा हूं। तू भिखारी के सिवा और कुछ नहीं है। कौन? भिखारी। सबूरी के ही जिसने सिखा उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए, बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। को ये सिद्ध करना चाहिए कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। लेकिन कैसे? आपके बाबा ने आपको जो पैसे दिए हैं उससे बाजार जाकर ताजी हरी सब्जियां खरीदनी है। पर हाँ, जो भी जोड़ा इन पैसों से ज्यादा ताजी सब्जियां खरीद कर लाएगा वही विजेता होगा।